गाइस नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। और गाइस आज आ गया हूँ औंधी में बल्ला चक्रधारी भैया जी के पास, और यहाँ पास लगभग पूरी मूर्ति रेडी हो गई है। और यहाँ पास एक आध दो मूर्ति आज जाएंगे भी, और पूरे यहाँ पर जितने सारी मूर्ति है पूरे रायपुर जाएंगे, और कुछ मूर्ति जो है वो भिलाई में जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, और जितने मूर्ति रेडी हुए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्किप बिल्कुल मत करना। तो मैं आपको एंड में मिलता हूँ या फिर हो सके तो बीच में मिलता हूँ आपको। तो चलते हैं अंदर और आपको गणेश जी दिखाते हैं। और यहाँ पास देख लो कॉन्टैक्ट, अगर आप लोग को कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप वीडियो पोस्ट करके आप नंबर निकाल सकते हो और भैया से बात कर सकते हो। तो चलते हैं अंदर। यहाँ पर जैसी जैसी हैवी मूर्ति है, ये सब पाइप के थ्रू से बड़ी बड़ी मूर्ति निकाले जाते हैं। तो अंदर से पूरे जो मैं कुछ एक आध हफ्ते पहले आ गया था, तो उस समय ये सब मूर्ति जो रेडी नहीं हुए थे, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी प्यारे मूर्ति दिख रहे हैं, देखो काफ़ी सिंपल है, तो फिनिशिंग आप देख सकते हो कि अलग ही लेवल की फिनिशिंग। और जो पीछे जो पेड़ है पूरा ओरिजिनल लग रहा है आपको, काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है ये मूर्ति। और जस्ट इसके बगल में आप देखोगे तो यहाँ पर जो कृष्ण जी और राधा जी की जोड़ी में जो गणेश जी अवतार में बने हुए हैं, ये भी कलर जो गणेश जी का है आँख बन रहे, और इसमें वर्क हो रहा है। ये मूर्ति भी है, कहाँ जाएगी ये मूर्ति? अच्छा रायपुर, यहाँ पर लगभग सारी मूर्ति रायपुर ही की है, एक आँख दो ठो जो है भिलाई की है। एक अभी रेडी हो जाएंगे आज तक नहीं बोले, तो ये मूर्ति आज तक रेडी हो जाएंगे। काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये मूर्ति, आप देखना कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है मूर्ति, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और जस्ट उसके आप बगल में और देखोगे तो ये पार्वती माता और गणेश जी उसको गोदी में पकड़े, ऐसे ऐसे आप ये मूर्ति आप थनौर में भी देखे होगे, ये भी सेम टू सेम आपको लग रहे हैं, ये भी काफ़ी प्यारे हैं। तो यहाँ पर तो लगभग सारे जितने भी मूर्ति सभी कलर हो गए, और एक आध दो दिन में सारी मूर्ति भी चले जाएंगे। मैं आपको यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखो वहाँ पर भी वर्क चल रहा है, पूरे ओके हो गए गणेश जी, तो वहाँ पर जो है स्टोन का वर्क हो रहा है। और इधर पर भी देखो पीछे बैकग्राउंड है, जो शंकर जी का बैकग्राउंड है और सामने गणेश जी है। और जस्ट इसके आप स्टेट में देखोगे तो जो नंदी गौ माता है, गौ माता के जस्ट अब आगे गणेश जी बैठे हुए माखन खा रहे हैं साथ में। और बैकग्राउंड भी देखोगे तो पूरा अभी स्टोन कुछ लगेगा, और मोर पंख का पूरा यूज़ हुआ है, तो ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। जो फिनिशिंग है तो आप तो देख ही रहे होगे। और जस्ट ये गणेश जी के आप बगल में देखोगे तो कृष्ण जी और गणेश जी है, ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। पीछे आप पूरा जो है मोर पंख लगे हैं उनमें, और स्टोन का वर्क होगा इसमें भी, ये भी रायपुर जाएंगे गणेश जी। और ये गणेश जी है जो पार्वती माता, और यहाँ पर भी लगभग पूरे मूर्ति ओके हो गए, 6 फीट 7 फीट 8 फीट के गणेश जी इधर। तो यहाँ पर भी पूरे देखो स्टोन है, जितने भी स्टोन से वर्क किया गया, और जो स्किन कलर है वो काफ़ी आपको वीडियो में तो समझ नहीं आ रहा होगा, बट जो रियलिटी अभी मैं फेस टू देख रहा हूँ ना, तो उसका क्वालिटी अलग दिख रहा है। बाकी यहाँ पर भी जितने हैं पूरे सभी के सभी पूरे स्टोन वर्क कम्प्लीट हो गए, देखो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं गणेश जी भी भाई। इसमें माथे पे वो तिलक उलक लगाएंगे, बस थोड़ा बहुत वर्क बचा हुआ है। बाकी ये गणेश जी जो लिटिल गणेश जी, ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, मोदक में बैठे हुए हैं। और फ्रेंड्स ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति भी पूरे रायपुर में जाएंगी, आप कई सारे फ़ोटो में आप देखोगे कि इस प्रकार ऐसे मूर्ति फ़ोटो में आपको देखे होंगे, तो फ़ोटो के हिसाब से मूर्ति बनाया गया है, ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं वाले गणेश जी भी। और यहाँ पर भी जैसे देखो ये मूर्ति ना दो ठोक बनी हुई है, एक सामने में आपको जो देखे होंगे जो गौ माता है, देखो इधर पास है गौ माता के सामने, और इधर पे भी दो मूर्ति बनी है एक जगह सेम टू सेम, बट ये हाइट में छोटे हैं, और उधर है जो थोड़ी हैवी मूर्ति और थोड़े हाइट में ज़्यादा है। तो मैं आपको और आगे चल के चलूँगा, जैसे कि आप एक हफ्ता पहले आया था जो शिव जी की जो वर्क हुआ है, तो एक आध हफ्ता पहले आया था, तो देखो ये शिव जी वाले भी जो गणेश जी अभी आधा वर्क हुआ था, अभी भी पूरे अभी रेडी हो गए जो गणेश जी है, उनको गमछा पहनाया जाएगा, तो ये भी लगभग आज और कल में गणेश जी ओके हो जाएंगे। और इधर साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी जो है गणेश जी बैठे हुए हैं, राज सिंहासन में भी प्यारे लगे थे, और जिस उसके बगल में भी तो सिंहासन में बैठे हुए गणेश जी।
और यहाँ पर जो जितने भी पीछे मैं आपको उस समय जो पिछली बार आए थे तो उस समय पीछे लेकर मूर्तियाँ नहीं दिखाई थी, तो वहाँ पर भी आपको लेके चलते। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ जो तुलसी चौरा है। तुलसी चौरा में मतलब माता जी पूजा करे और गणेश जी को गोदी में पकड़े हुए, तो काफ़ी अभी यूनिक दिख रहे हैं मूर्तियाँ। और इसमें कुछ अलग स्टोन उस्टोन भी लगेगा माता में, और जो बाल है अभी लगभग थोड़ा बहुत वर्क बचा हुआ है, तो ये भी प्यारे लग रहे हैं। तो और आगे लेके चलता हूँ तो यहाँ पर भी देखो ये भी सिंपल गणेश जी है, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। मतलब इसमें स्टोन वर्क भी नहीं होगा तो तब तो भी प्यारे दिखेंगे, बाकी तो यहाँ पर ऐसे स्टोन वर्क में हुए हैं कुछ और कुछ नहीं हुए। तो ये जो गणेश जी दिख रहे होंगे इसमें स्टोन वर्क हुए हैं पूरे, बाकी इधर पास तो अभी आग मतलब इधर शायद आग भी नहीं आया ना, आग बनाना बचा हुआ है। और यहाँ पास भी तो पूरे सिंपल लगभग लगभग 5 फीट 6 फीट 7 फीट के आपको यहाँ गणेश जी देखने को मिलेंगे। ये गणेश जी है शायद थोड़ा अलग यूनिक टाइप के हैं, देख रहे हो जो है उनका फेस हाथी वाला फेस लगा है, और बाकी जो गणेश शिव जी के अवतार में है और जो फेस में थोड़ा ऐसे धब्बा डब्बा है, तो ओरिजिनली मतलब जैसे आप हाथी वो में देखते हो फेस पूरा ओरिजिनल हाथी फेस दिख रहे हैं, और जो नीचे का है वो शिव जी के अवतार में गणेश जी है। और जस्ट यहाँ पर तो है स्टोन वर्क में पूरे गणेश जी हुए, गणेश वर्क हुआ स्टोन वर्क में, आग बनाना बस बचा हुआ है। लगभग यहाँ पर सारी ही मूर्ति अभी रेडी हो गए। और यहाँ पर देखोगे तो गणेश जी जो है जो सिंह गिटार पकड़े हुए हैं ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो एक यहाँ पर भी गणेश जी जो मूसक जी मूसक राज के साथ खेल रहे हैं, ये भी इसमें भी आग बनाना बस बचा हुआ है। बाकी लगभग सारी ही मूर्ति यहाँ पर जितने सभी में आग बनाना बस बचा हुआ है, बाकी तो पूरे रेडी हो गए। स्टोन वर्क है पूरे इधर 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 सब पूरे स्टोन वर्क है। और ये गणेश जी मेरे को थनौन में औंधी में सबसे ज़्यादा हट के यूनिक ये लगे, क्योंकि जो फेस अलग है और नीचे का जो है बाकी शरीर वो शिव जी के अवतार में बने। बाकी तो यहाँ पर पूरे सिंपल सिंपल आपको गणेश जी देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर भी। और यहाँ पर जो आपको बता दिया हूँ कि यहाँ जो गणेश जी वो गिटार पकड़े हुए हैं। आपने इस प्लेस का मूर्ति देख ली है, और सेम जस्ट उसके स्टेट में देखोगे तो यहाँ पर भी बल्ला चक्रधारी भैया जी मूर्ति बनाते हैं। तो आपको अब इधर लेके चलते हैं, और इधर के जितने मूर्ति रेडी हुए हैं तो आप इस वीडियो में यहाँ के आपको दिखाता हूँ। अब ये इधर अंदर चलते हैं और इधर पास देखते हैं कि मूर्ति सारे कितने सारे रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर भी लगभग लगभग पूरे मूर्ति ओके ही हो गए, बस आग बनाना बस बचा हुआ है। बाकी तो यहाँ पर भी जो लिटिल गणेश जी है इसमें धोती कपड़े का वर्क यूज़ होगा। बाकी देखो एक शिवलिंग है जस्ट बगल में, यहाँ भी गणेश जी के साथ जाएंगे ये इधर पर तो इसके बारे में बता ही दिया हूँ। और जस्ट इधर देखोगे तो रिद्धि सिद्धि है और बीच में गणेश जी है, इसमें भी बस आग बनाना बस बचा हुआ है। और इधर पर भी आपको देखेंगे तो सिंपल गणेश जी है काफ़ी, और पीछे जो बैकग्राउंड है कृष्ण जी का मतलब मूर्ति बना हुआ है। और जिस मूर्ति की अब मैं बात करते बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो ये मूर्ति लगभग लगभग ये मूर्ति फाइनल हो गई है। और ये आज जो है शिव जी आज जा रहे हैं रायपुर, लगभग के शाम को ये मूर्ति चले जाएंगे। और देखो तो काफ़ी यूनिक लग रहा है ना 3D में, आपको जैसे आप देखोगे तो 3D में मूर्ति दिख रहा है, काफ़ी प्यारे दिख रहा है। जो शिव जी है जस्ट आपको वो जो गणेश जी है ये गणेश जी के साथ जाएंगे। इधर पर देखोगे तो लगभग लगभग 8-9 फीट का ये गणेश जी भी है, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। उसमें आपको सामने से दिखा देते हैं जो पूरा ब्लड टाइप का आता है लेकिन पूरा वर्क उसमें यूज़ हुआ है। लगभग ये भी आपको दिखेंगे 10 फीट के गणेश जी है।
लग आपको बल्लभ जी का आर्ट्स, और जो भी मूर्ति आपको पसंद आई हुई तो कमेंट में बताना, और प्रश्न अगर आप हो सके तो आप इंस्टा पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, बगल में आपको इंस्टा आईडी में बता दूंगा, शो हो जाएगा। तो ये वीडियो को सही ही रखते हैं, आई होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाके के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।